हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूँ आपके साथ उज्ज्वला। यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि कर दी है और जिस बात का डर था आखिरकार वही हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इसकी जानकारी दी। ये जानकारी ऐसे समय पर दी गई है जब एक हाल रिसर्च में ये दावा किया गया है कि अगले साल अप्रैल तक यूके में ओमिक्रॉन वेरिएंट से 75,000 लोगों की मौत हो सकती है। साउथ अफ्रीका के अलावा यूनाइटेड किंगडम में ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। WHO के हाल ही में दिए गए एक बयान के मुताबिक बीती 10 दिसंबर तक इस वेरिएंट से कहीं भी किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई थी। साउथ अफ्रीका में वीकली डेथ का आंकड़ा जरूर हुआ है लेकिन वहां की सरकार ने अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि ओमिक्रॉन से वहां के लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में यूके से जानकारी को ओमिक्रॉन का पहला डेथ केस भी कहा जा रहा है और ये काफी चिंताजनक खबर है। चिंताजनक खबर इस बात को लेकर और भी गंभीर बना देती है कि वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस वेरिएंट पर कोविड की मौजूदा वैक्सीन काम करेगी या नहीं। और बात अगर यूके की जाए तो वहां के हालात भी अब बेहद गंभीर नजर होते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों को न केवल अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है बल्कि इससे एक व्यक्ति की जान भी गई है। उन्होंने दुख जताते हुए भी कहा कि ये काफी दुखद है। मेरे विचार में अभी इस निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा कि ये कोरोना वायरस का कम शक्तिशाली वेरिएंट है। हम इस बात पर ध्यान देना होगा कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी लोग बूस्टर डोज जरूर लें। बोरिस जॉनसन ने 12 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित भी किया। इस संबोधन में उन्होंने देशवासियों को तेजी से आ रही ओमिक्रॉन के खतरे से आगाह भी किया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक जॉनसन ने यह भी कहा कि एक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने हमारे सामने एक और आपात स्थिति खड़ी कर दी है। हमें इस वेरिएंट से लड़ाई में अपने चारों तरफ वैक्सीन की सुरक्षा का घेरा खड़ा करना होगा, तभी इस वेरिएंट से हम बच पाएंगे। जॉनसन ने यह भी कहा कि बूस्टर डोज कैंपेन 18 से अधिक उम्र के लोगों पर फोकस करके चलाया जाए। यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने भी 13 दिसंबर को बोरिस जॉनसन के संदेश को दोहराया। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है और 2 से 3 दिन में संक्रमण दोगुना होता जा रहा है। जावेद ने बताया कि ओमिक्रॉन की वजह से इंग्लैंड में अभी तक 10 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इससे पहले लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और दक्षिण अफ्रीका के स्टेलबॉक यूनिवर्सिटी से एक संयुक्त अध्ययन में यह दावा किया गया कि अप्रैल के आखिर तक यूके में ओमिक्रॉन वेरिएंट से 75,000 लोगों की जान जा सकती है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और इस स्टडी के लिए अलग अलग डाटा का विश्लेषण भी किया गया है। हालांकि सबसे अधिक ध्यान ओमिक्रॉन के फैलने की दर पर दिया गया है। हाल फिलहाल में चंडीगढ़, केरल और आंध्र प्रदेश में भी इस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की धीमी गति के कारण देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के असल मामलों का पता नहीं चल पा रहा। असल आंकड़ा मौजूदा मामलों से अधिक हो सकता है। ऐसे में आपको भी ये ध्यान देना है कि आप इस वेरिएंट से कैसे बचें। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।